केजीएफ चैप्टर 2 के बाद अब सिनेमाघरों में भूल भुलैया 2 धमाल मचा रही है। भूल भुलैया 2 एक ऐसी फिल्म है जिसमें VFX यानी ग्रीन बैकग्राउंड के आगे का सीन ना के बराबर है, या यूं कहें कि है ही नहीं। इस फिल्म के लिए फिल्म मेकर्स ने लगभग 99% लोकेशंस ओरिजिनल रखे हैं। ऐसा नहीं है कि विजुअल्स यूज नहीं किए गए हैं। भूत को ज्यादा भड़कीला और डरावना दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। इस फिल्म को देखते वक्त आप भी डर जाओगे, क्योंकि डायरेक्शन के साथ साथ एनिमेशन इफेक्ट भी इस फिल्म में कमाल का है। मैं आपको बता दूं कि भूल भुलैया के पहले सीक्वेंस को प्रियदर्शन जी का डायरेक्शन था, जो कि एक मजे हुए कॉमेडी डायरेक्टर हैं। बट इस बार हमें सीक्वल के नाम पर केवल फिल्म का टाइटल मिला है और कुछ छोटे मोटे कास्ट ही देखने को मिले हैं, जो कि रिपीटेटिव है, क्योंकि भूल भुलैया 2 में नए कास्ट के साथ साथ डायरेक्टर भी बदला गया है। अब की बार अनीस बाजमी ने इसे निर्देशन दिया है एंड उन्होंने इससे पहले रेडी और वेलकम जैसी हिट फिल्में भी बनाई है। भूल भुलैया 2 की शूटिंग 9 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट कर दी गई थी। इस फिल्म का यह सबसे पहला शूट है या एक सॉन्ग के लिए यहाँ पे शूटिंग की जा रही है। उन्हें अक्टूबर 2019 में इस पोशाक में देखा गया था, जो कि मुंबई फिल्म सिटी का ही आसपास का लोकेशन है, और उसी ड्यूरेशन में वहां पर सॉन्ग शूट करा गया था। तो देखिए, मेनली इस फिल्म की शूटिंग जयपुर, लखनऊ, मुंबई और हिमाचल प्रदेश में हुई है। इसी जगह पर मंजुलिका को रिकॉर्ड किया जा रहा है। बैकग्राउंड में लाइटनिंग इफेक्ट दिखाने के लिए बड़े बड़े बल्ब्स भी लगाए गए थे एंड इस जगह पर क्लोजअप शॉट लेने के लिए कैमरामैन मोशन में मंजुलिका को रिकॉर्ड करते हुए नजर आ रहे हैं एंड वहीं तब्बू जी के आसपास सूखे पत्तियों को बिखेरा गया है और फिर उसके पीछे फैन की जोरदार हवा चलाई गई ताकि शॉट नेचुरल लगे। भूल भुलैया 2 में किए गए काम के लिए अनीस बाजमी को काफी सराहना मिली है। आप उनके हार्डवर्क को यहाँ देख रहे हो। वह एक एक रोल को एक्सप्रेशन के साथ अपने एक्टर को समझा रहे हैं एंड किसी भी सीन को शूट करने से पहले वह खुद करके बताते हुए भी आप यहां उनको देख सकते हो। पिछली बार की तरह इस फिल्म में भी छोटे पंडित के तौर पर राजपाल यादव को लिया गया है। यहां उनकी एक्टिंग आप देख रहे हो। फिल्म की शूटिंग से पहले उन्हें उनके कैरेक्टर में ढालने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यह उनके कास्टिंग का सीन है। यह फिल्म सिटी के एक स्टूडियो में ही फिल्माया गया है इस वाले कास्टिंग सीक्वेंस को। फिल्म में दिखाए जाने वाले ये लोकेशन राजस्थान के जयपुर में स्थित सामोद गांव का है। यहां पर सामोद पैलेस है। इसी जगह पर मूवी का यह वाला सीन शूट हुआ था। इस जगह पर फिल्म का एक हॉरर सीन भी है। यहां पर पैर मुड़ने वाला सीन हमें देखने को मिला था, तो इस सीन को यहां सामोद पैलेस के इस लोकेशन पर नाइट में शूट करा गया था एंड आप इसी सीन को शूट होते हुए भी देख रहे हो। फिल्म में यह डरा देने वाला सीन ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल रियल है, बट आप देख रहे हो कि उसे रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरामैन क्लोजअप से उसकी शॉट ले रहा है एंड इसके अलावा एडिटिंग के वक्त उनमें एनिमेशन ऐड कर दिया जाता है ताकि और भी इफेक्टिव लग सके एंड आप सिनेमाघरों में डरे ये सीन देखकर, और यकीनन आप डरे भी होंगे। यह सीन भूल भुलैया 2 फिल्म के टाइटल ट्रैक के शूटिंग का है। इसकी शूटिंग फिल्म के स्टार्टिंग में ही कर लिया गया था, क्योंकि फिल्म के मोशन पिक्चर और प्रोमो में इसका यूज होना था। तो बेसिकली यह सीन 22 अक्टूबर 2019 का है। यहां देख रहे हो कि फिल्म के सेट पर कार्तिक आर्यन ने अपना बर्थडे भी मनाया था। उन्होंने डायरेक्टर और क्रू मेंबर्स के साथ बर्थडे केक काटा और सेलिब्रेट किया एंड आप जो यह लोकेशन देख रहे हो यहाँ जहाँ पे टाइटल ट्रैक शूट हुआ था, यह बेसिकली मुंबई फिल्म सिटी के एक स्टूडियो का सीन है। फिल्म में यह सीन आपने तब देखा था जब मंजुलिका बाहर आ जाती है और वह फिर से लोगों को परेशान करने लगती है और फिर कार्तिक आर्यन, कियारा और तब्बू एक बाबा से मिलने जाते हैं। तो बाबा जिस जगह पर दिखाए गए हैं, यानी ये जो लोकेशन जहां पे बाबा दिखाई दिए थे, वह इसी कुंड के लोकेशन का सीन है जहां पर यह सीन शूट किया गया है। तो एक्चुअली इस सीन की शूटिंग राजस्थान के पन्ना मीना का कुंड में हुआ था एंड यह लोकेशन आमेर के रास्ते पर पड़ती है। यह सीन कुंड के दूसरी तरफ से शूट करा गया था। यहाँ कैमरा एंगल काफी लो रखा गया है जिससे कि हॉरर टच मिले। तो यह वह सीन है जिसे आप यहाँ देख रहे हो।
यह शूटिंग लोकेशन भी जयपुर का है। यह आपको अजमेर के रास्ते में ही पड़ेगा। वहाँ रास्ते में बहुत सारे किले हैं, जिनमें से आपको यह मीरा टेम्पल भी दिखाई देगा। बेसिकली इस जगह पर फिल्म का वह सीन दिखाया गया था जब मंजुलिका और अंजुलिका के पिता उन्हें इस जगह पर यानी इस टेम्पल पर लेकर आते हैं। यह शूटिंग लोकेशन भी इसी मीरा टेम्पल का है। तो यहाँ पर इस जगह पर मंजुलिका जो है कि वह यहाँ से भाग जाती है, तो यह वाला सीन भी आपको इस जगह पर देखने को मिल जाएगा। आप यहां देख रहे हो कि इस स्क्रीन शॉट में जो आपको गुंबद दिखाई दे रहा है दोनों जगह, वह बेसिकली सेम है। मंजुलिका के वहां से जाने के बाद उनके पापा भी उनके पीछे आ जाते हैं। तो आपको यहां यह सीढ़ियों वाला जो सीन दिखाया गया था मूवी में, जो इसी टेम्पल के सीढ़ियों पर शूट किया गया है, यहां आप इस क्लिप में देखकर भी इस बात को परख सकते हो। एंड मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भूल भुलैया जो फर्स्ट वाली है अक्षय कुमार की, तो इसी लोकेशन पर उस मूवी का भी कुछ सीन यहाँ पर फिल्माया गया था, यानी 2007 वाली भूल भुलैया की मैं बात कर रहा हूँ। अब बढ़ते हैं आगे। एंड यह लोकेशन उत्तर प्रदेश का है, तो इस लोकेशन के बारे में जानते हैं। तो यह सीतापुर जिले के महमूदाबाद का है। एंड मेनली वह लोकेशन जहां पर फिल्म की इस वाले पार्ट की शूटिंग हुई है, वह महमूदाबाद के आमिर हसन खान राजा के किले का सीन है। एंड मैं आपको बता दूं कि मूवी का मैक्सिमम पार्ट इसी लोकेशन पर शूट हुआ है। यहाँ इस फिल्म के लिए हवेली की मरम्मत कराई गई थी एंड ऊपरी वर्क कराए गए थे। इसके अलावा खिड़की दरवाजे सही करवाए गए और साथ ही साथ एक अलग से सेट भी तैयार किया गया था, जिसके अंदर कुछ इंटीरियर वाला सीन शूट करा गया था, जिसे आप यहाँ मूवी में इस जगह आप देख सकते हो इस BTS वीडियो में। इस जगह पर कार्तिक आर्यन कियारा के साथ हवेली में एंटर करते हैं। यहाँ उन पर क्रो आकर लिपट जाता है। तो एक्चुअली यह वाला सीन उस पर फेंकने वाला जो सीन है, कुछ इस तरह से शूट कराया गया था। यहाँ क्रू मेंबर द्वारा उसके ऊपर क्रो फेंका जाता है और आगे कैमरा बखूबी रिकॉर्ड भी कर रहा है। एंड यह वाला सीन भी इसी महमूदाबाद पैलेस का है। इस फिल्म के कुछ सीन राजस्थान के चोमू पैलेस होटल में भी फिल्माया गया है। यह बेसिकली एक महल ही था, जिसे बाद में एक 5-स्टार होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप इस होटल के नाइट वाइब को फील कर सकते हो, जो कि आपको सच में एक किंग वाली फीलिंग दिलाएगा। फिल्म का यह सीन तो आपको याद होगा। इस जगह पर राजपाल यादव अपनी साइकिल लेकर दौड़ता है एंड महल में एंटर करता है, तो यह सीन भी इसी होटल का है। एंड आप यहां इस क्लिप से देखकर खुद ब खुद समझ जाओगे। इस लोकेशन पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होते हुए फिल्म में हमें दिखाई जाती है। यहाँ भूत अपनी पावर से एक लड़की को घसीटता है। देखिए इस वाले सीक्वेंस को शूट करने के लिए किस तरह से कलाकार को सच में रस्सी से खींचना पड़ता है एक इंसान को, तो आप समझ सकते हो कि काफी मुश्किलों से छोटी छोटी शॉट मिलकर एक मूवी बनती है, जिसे हम लोग बैठकर थिएटर में एंजॉय करते हैं। एंड उसके पीछे काफी ज्यादा हार्ड वर्क होता है, इसीलिए हमारा चैनल आपको उस BTS को दिखाने के लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आता है। इस बात पर वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। पढ़ते हैं मूवी में यह सीन भी आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, जब आप सब लड़की को एक ऊंची मंजिल से गिरते हुए देखे होंगे। देखिए इस सीन को सच में शूट करा गया था, लेकिन इसके लिए पूरी सेफ्टी मेजरमेंट्स का ध्यान रखा गया। आप यहां देख रहे हो कि उन्हें किस तरह क्रेन के सहारे लटकाकर स्लाइड किया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ हाइड्रोलिक कैमरे से इसे शूट कर रहे हैं। फिल्म का यह सीन स्टार्टिंग का है, जब कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी एक बस में बैठकर राजस्थान के लिए निकल पड़ते हैं। एक्चुअली यह सीन अटल टनल से ठीक पहले लेह मार्ग पर फिल्माया गया था, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक रियल लोकेशन है। और अगर आप लद्दाख ट्रिप किए हो तो यकीनन आप इस ब्रिज को जानते होंगे। फिल्म का यह वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग है और डरावना भी। यहाँ पे गुड़िया के साथ मंजुलिका को काला जादू करते हुए दिखाया गया है। यहाँ देख सकते हो कि वह इसको कितनी परफेक्शन के साथ करते हुए नजर आई है, जो इस फिल्म में मंजुलिका और अंजुलिका का रोल प्ले कर रही है, डबल रोल तब्बू जी। तो आप उनका रोल प्ले यहाँ देख रहे हो। एंड यहाँ पर बेहतरीन कैमरा वर्क भी आपको देखने को मिलेगा, जो उन्हें डिफरेंट डिफरेंट एंगल से शूट कर रहा है। तो यह वाला शूटिंग लोकेशन स्वप्नगरी फिल्म स्टूडियो पनवेल में शूट करा गया था, जो कि मुंबई में स्थित है। वैसे तो इस फिल्म लोकेशन को रात में फिल्माया गया, बट आप इसके दिन के फोटोग्राफ्स देख सकते हो यहाँ। एंड इस क्लिप से आप इस लोकेशन के बारे में जान पाओगे।
तो गाइज फिल्म टी सीरीज के बैनर तले बनी है, जिसके पीछे भूषण कुमार जी ने लगभग 80 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और यह फिल्म सुपरहिट साबित भी हो गई। देखिए प्रोडक्शन हाउस तो पैसे खर्च करती है, बट फिल्म के पीछे का असली मेहनत तो डायरेक्टर ही करता है एंड उसके साथ साथ बहुत सारे लोग। अब डायरेक्टर की बात हो रही है तो उनके पीछे की जिम्मेवारियां भी देखिए। उन्हें सेट की तैयारी से लेकर कॉस्ट्यूम डिजाइन सिलेक्शन और फिर परफेक्ट डायरेक्शन के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो इस फिल्म के लिए अनीस बज्मी जी ने काफी मेहनत की है। वहीं कार्तिक आर्यन की एक्टिंग काफी अच्छी थी एंड आई होप कि आपने भी इस मूवी का बिहाइंड द सीन एंजॉय किया होगा। और अगर आपने केजीएफ चैप्टर 2 का बिहाइंड द सीन नहीं देखा है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो और राइट में पुष्पा मूवी का बिहाइंड द सीन है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।